हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसका नाम है बैक्टीरिया। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। लेटर ऑन हम जो दूसरा इसका वीडियो बनाएंगे उसमें हम जो यूज़फुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लीवनहॉक ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, कौन सी ईयर के अंदर, 1683। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किसने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, एंटनी वॉन लीवनहॉक ने किया था इन द ईयर 1683 के अंदर। एंड द नेम इज़ गिवन बाय एहरनबर्ग। ठीक है, नेम किसने दिया था, जो बैक्टीरिया नाम है वो किसने दिया था, एहरनबर्ग ने दिया था इन द ईयर 1829 के अंदर। ठीक है, एंड सेकेंड है, लीवनहॉक इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था लीवनहॉक ने, इसलिए जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है वो कौन है, लीवनहॉक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। द नेक्स्ट, बैक्टीरिया इज़ ए सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है ना, ये प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। विच लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। प्लास्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं पाया जाता, जैसे मैंने बताया आपको, डिफाइन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्रोमोसोम्स और जितने भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सब इसके अंदर नहीं पाए जाते बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बैक्टीरिया ऑल्सो लैक्स ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये क्योंकि प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस लैक होता है, जबकि यूकैरियोटिक होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बेसिकली द प्राइमरी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इज नोन एज न्यूक्लॉयड। इसमें ट्रू न्यूक्लियस की जगह एक प्राइमरी न्यूक्लियस पाया जाता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोइड, नाम होता है उसका। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको तो ये याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्राइमरी न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया कंटेन ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट इन मीजोसोम्स। ठीक है ना, बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं मीजोसोम्स में, जो कि सिमिलर होते हैं, किसके सिमिलर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मीजोसोम्स पाया जाता है, जो कि सिमिलर किस लिए होता है, बैक्टीरिया के जैसा होता है, इसका मतलब ये भी एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। कि दोज बैक्टीरिया विच हैव आउटर कैप्सूल, वो बैक्टीरिया जिसके आउटर कैप्सूल प्रेजेंट होती है, विच आर मोर स्लिपरी, वो कैसी होती है, स्लिपरी यानी चिकनी होती है, दे आर मोर विरुलेंट, विरुलेंट मतलब दोज बैक्टीरिया विच स्प्रेड डिजीजेज। ठीक है ना, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिजीजेज स्प्रेड करते हैं उसको अपन विरुलेंट बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया की जो आउटर कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, स्लिपरी होता है और वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट होता है, यानी कि इससे कि बहुत सारे डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो ये वैसे देखा जाए तो ये जो बैक्टीरिया का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत यूज़फुल भी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, इसमें लो लिपिड कंटेंट होता है, मतलब लिपिड का मतलब क्या होता है, फैट। ठीक है ना, इसमें जो फैट का जो अमाउंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं लिपिड का जो अमाउंट होता है, वो कैसा होता है, लो होता है, कम होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, इसमें लिपिड कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि इसमें टिक्टोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में टिक्टोइक एसिड एब्सेंट होता है। ये मेन क्या फीचर्स होते हैं, कंपोजिशन होता है बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें म्यूरिन प्रेजेंट होता है, म्यूरिन जिसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन समझ लो आप इसको, है ना। इसमें कितना होता है प्रेजेंट, 60% होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में 20% म्यूरिन प्रेजेंट होता है।
ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वन लेयर्ड होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल क्या क्या आएंगे इसमें, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम, बैसिलस एंड लैक्टोबैसिलस है, ये सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जैसे मतलब पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, बैसिलस और लैक्टोबैसिलस है वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या क्या आएगा, विब्रियो, राइजोबियम, ई कोली और एसिटोबैक्टर, इसमें किस में आएंगे, ग्राम नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की सेल वॉल हमेशा किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव में दे देंगे कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती, पेप्टिडोग्लाइकेन और बहुत सारे नाम आपको तीन ऑप्शन में देंगे, उसमें आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें पुटअप हो सकते हैं इस वाले टॉपिक में। इन बैक्टीरिया ए विप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, बैक्टीरिया में एक विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि किसका बना होता है, फ्लैजिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। विप लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, बट इन बैक्टीरिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं पीली बोलते हैं, विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जो कि किस में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो बैक्टीरिया में होता है उसको अंदर वो यूज़फुल होती है, उसके अंदर वो हेल्प करती है बैक्टीरिया में। ठीक है, देन नेक्स्ट, द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज डबल हेलिकल, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है और नेकेड होता है, स्फेरिकल होता है, और इसमें हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ए बैक्टीरियल सेल बिसाइड सेल्फ डीएनए वन सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट, बैक्टीरिया के अंदर एक सेल्फ डीएनए यानी खुद का डीएनए की जगह डीएनए तो खुद का डीएनए होता है, उसके अलावा इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए यानी कि गोल डीएनए पाया जाता है, और इट कंटेन्स एक्स्ट्रा क्रोमेटिन न्यूक्लियर मटीरियल, और उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमेटिन न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट होता है, और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमेटिन न्यूक्लियर मटीरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्मिड कहते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट यूज्ड एज ए कैरियर इन जेनेटिक्स, और इसको हम एज ए कैरियर यूज़ करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिक्स एक तरह की ब्रांच है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को एज ए कैरियर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है, जोसेफ लिस्टर डिस्कवर्ड ऑक्सैलिक एसिड एंटीसेप्टिक। ठीक है ना, ये तो नाम आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे, जो जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ऑक्सैलिक एसिड एंटीसेप्टिक डिस्कवर किया था। ये सारे टॉपिक जो है आपके बैक्टीरिया टॉपिक से रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड जर्म थ्योरी, लुईस पाश्चर जो थे ये तो बहुत ही आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, बहुत फेमस जो है साइंटिस्ट हुए हैं लुईस पाश्चर, इनकी जो फेमस थ्योरी थी उन्होंने डिस्कवर की थी, जर्म थ्योरी डिस्कवर की थी, और पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है पाश्चराइजेशन, हम इसमें क्या करते हैं, वी बॉयल द मिल्क एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एट 30 मिनट्स, हम बॉयल करते हैं मिल्क को 30 मिनट्स के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो जो प्रोसेस होता है वो पाश्चराइजेशन कहलाता है। और ये पाश्चराइजेशन किसने डिस्कवर किया था, लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा क्या डिस्कवर किया था, जर्म थ्योरी डिस्कवर की थी लुईस पाश्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कोच पेस्टुलेट गेट द नोबल अवार्ड। ठीक है ना, कोच पेस्टुलेट थे उनको एक नोबल अवार्ड मिला था, क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने बताया था, ही टेल अस द रीज़न फॉर एनी डिजीज़ इन बैक्टीरिया। ठीक है ना, कि बैक्टीरिया की वजह से क्यों हमें डिजीज़ होती है, उन्होंने रीज़न की वजह से उनको नोबल पुरस्कार मिला था। द नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, सबसे छोटा बैक्टीरिया का नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बिगेस्ट बैक्टीरिया इज़ बैग्योटा मिराबेलस। ठीक है, सबसे बड़ा बैक्टीरिया का नाम है बैग्योटा मिराबेलस। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोस्पोर आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया
प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हाई टेम्परेचर, रेडिएशन और एंटीबायोटिक। देखिए, बैक्टीरिया के जो बाहर के साइड में एक एंडोस्पोर नाम की कवरिंग पाई जाती है, जो कि बैक्टीरिया को उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर से बचाती है, रेडिएशंस जो रेडिएशन सूरज की किरण वगैरह जो होती है, ठीक है ना, जो सन रेज होती है या फिर कोई सी भी किसी भी तरह की रेज होती है उसको बचाती है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक, जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो कवरिंग होती है बेसिकली प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया और इन सभी चीज़ों से रक्षा करती है बैक्टीरिया की। द नेक्स्ट इज़ गिफिन। गिफिन भी एक तरह के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1928 के अंदर डिस्कवर किया था ट्रांसमिशन मेथड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिशन मेथड डिस्कवर्ड किया था। देन नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन मेथड इज़ डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लीडरबर्ग। इसके अलावा जो कॉन्जुगेशन मेथड होता है वो किसने डिस्कवर किया था, जिंडर और लीडरबर्ग ने डिस्कवर किया था इंडिया इन द ईयर 1952 के अंदर डिस्कवर किया था। देन नेक्स्ट आता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया हम कह सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जिनका किसी ना किसी तरह का एक यूज़ होता है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है, उसका नाम है मैथनोजन। मैथनोजन क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। ऐसे बैक्टीरिया जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मैथनोजन बोलते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आएगा, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम इसका एग्जांपल होगा। सेकंड है हीलोफिलस। हीलोफिलस जो कि मैरिन बैक्टीरिया यानी समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं हीलोफिलस। एग्जांपल क्या है इसका, हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम इसका एग्जांपल हो गया। देन है थर्ड है थर्मो एसिडोफिलस, लिव्स इन वार्म और एसिड एनवायरनमेंट, ठीक है। थर्मो मतलब जो कि हीट से रिलेटेड होता है, जैसे हीट कह सकते हैं या फिर जो गर्म, ठीक है। लिव्स इन वार्म यानी गर्म जगह पर रहता है या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट, ऐसी जगह जहाँ पर एसिड पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे उसका नाम है सल्फर बैक्टीरिया और सेल्फो लोबस, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसकी जो नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपके बैक्टीरिया कौन कौन से यूज़फुल होते हैं, कौन कौन से हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी फुल PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, और जो मेरा पहला जो वीडियो आया था लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके भी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगी। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है ना, चैनल भी है, आप चाहो तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसकी भी जो लिंक है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।